पेस्टी लाए हैं, कैसे पहुँचाएं उस तक? बट लेकिन ये मजा नहीं है, यहाँ कैमरा आने के बाद डायलॉग चाहिए भाई। डायलॉग कम से कम पर बस रोड यार पप्पी, माय डियर तितली के लिए पेस्टी लेके आए हैं, कैसे पहुँचाएं उस तक? एक मिनट। करती हैं लेकिन प्यार सीधा करती हैं। अरे गुरु, प्यार सीधा करती हैं। देखते हैं मैं आपको। अरे आपको उधर देखना, बहुत ही पीछे आएगी। अच्छा जी, रोड लाइट जो होता है एक्शन। काम उल्टा करती हैं लेकिन प्यार सीधा करती हैं। अरे गुरु, प्यार सीधा करती हो, सोच चुकी रखती हो। यार इधर तू पास तक पुलिस और बाहर तू। और बताए किस किस्म के छिजोरे आवारा हो रहे हो, बार बार मुझसे बीच
कि मैं बचाने के लिए गई थी उन्हें पुलिस चौकी, फिर रास्ते में जाके मैं ध्यान आया क्या कि तुम्हारे भेड़ मौसा तो आज ऑफिस गए ही नहीं है फटाफट से। कहाँ गए? बताती हूँ, यहाँ चलो। टॉमी आया है मेरे घर यानी तितली के घर, एज़ यूजुअल उसको पटाने, उस पर लाइन मारने कि वो कुछ भी करे ताकि वो पट जाए, उसके साथ बाहर आए। तो एज़ यूजुअल रोज़ की तरह वो और पपी कोई आइडिया लेके आए हैं तितली के घर। अब टॉमी को लगता है कि तितली को वो पेस्ट्री खिलाएगा तो वो तितली उससे पट जाएगी, बट वो तितली की फेवरेट पेस्ट्री नहीं लाया है, वो चॉकलेट पेस्ट्री लेके आया है। पर तितली यूजुअली लाइक्स पाइनएप्पल पेस्ट्री, तो ये तितली की मम्मी को पता चल जाता है। तो तितली की मम्मी एज़ यूजुअल उनकी बहुत धुलाई कर रही है टॉमी पप्पी की, और उनको बहुत मारा मारी हो रही है यहाँ पे घर पे। सो इट्स अ फन सीन, इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड, इट्स अ वेरी फनी स्वीट क्यूट काइंड ऑफ अ सीन। तितली जी पप्पी जी के साथ बाहर घूमने जाएंगे या टॉमी के साथ? वेल टॉमी उसका बेस्ट फ्रेंड है, तितली उसको बिल्कुल भाव नहीं देती है, उसका बचपन का फ्रेंड है एंड वो ट्राई करता ही रहता है, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू पटाओ तितली, हमेशा ही इज़ जस्ट ट्राइंग अवे। वही है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यू नो दिस फ्रेंडशिप बिटवीन तितली एंड टॉमी, कि वो उसको एवरी एपिसोड में पटाने की कोशिश करता है और ये उसको मालूम है ये पटने नहीं वाली है, फिर भी वो ट्राई करता रहता है। वेल ये तो आपको एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, वैलेंटाइंस डे के एपिसोड्स आपको देखने पड़ेंगे। आई एम श्योर देर इज़ अ लॉट ऑफ मसाला, देर इज़ अ लॉट ऑफ लाफ्टर कमिंग अप दिस वैलेंटाइंस, सो स्टे ट्यून्ड। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ऑडियंस को हमेशा यही कहती हूँ कि थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबके प्यार के लिए, आप सबके एंकरेजमेंट के लिए, हमें आप सबके वजह से ही अच्छा काम करने की इच्छा होती है। सो थैंक यू। सीन के बारे में बताइए। सीन के बारे में, हमारे यहाँ एक नए डायरेक्टर आए हैं प्रिंस सर, उनके हिसाब से आज एक नया ट्रीटमेंट हो रहा है, तो
तो ग्रेट मौसी हमेशा जो है ना इन छिछोरों को, टॉमी पप्पी पता ही है ना आपको, मेरी तितली बिटिया के पीछे पड़े हैं, तो उनको मैं हमेशा झाड़ू से मारती हूँ। आज एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो झाड़ू क्या है कि वो पुराना आइटम हो गई है ना, अब झाड़ू कितने दिन कोई मारेगी, महिला थक जाएगी ना, कुछ मज़ा भी नहीं आएगा पिटाई वटाई करने में। तो आज ना मैं पता किस चीज़ से उनकी वो ठुकाई करने वाली हूँ, टैन टैन, ये है वो फटाफट से, आज मैंने उनकी ये ठुकाई की है, ये ठुकाई की है। नानी याद आ गई होगी, अगले सीन में देखना मेरी ठुकाई का क्या रिजल्ट निकला है। ये आंखें काली है, मुंह सूजा हुआ, बच्चू एपिसोड में तो और भी ज़्यादा मजा आएगा, ज़रूर देखना चिड़ियाघर फटाफट से। और पूछो क्या सवाल है, क्या कहते हैं वापस वो आएंगे आपके तितली के पास? अरे यार, एक सुंदर बिटिया की मम्मी होना भी बड़ा टेंशन का काम है यार, क्या बता दूँ सच्ची। उसकी वजह से इतना टेंशन रहता है मुझे कि पूछो मत, उसके पप्पा ने ना बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। एक्चुअली सही बताऊँ तो मेरी वजह से ना वो कुछ पनप नहीं पाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी जो है ना दादागिरी मैंने ही निभाली है, उसे सिखाना चाहिए था, वो चलाती ये वो तो कुछ ना करे, उसके पप्पा को भी मैं ही संभालती हूँ और तितली को भी मैं ही संभालती हूँ, इतना काम है मेरे सर पे पूछो मत। तितली के पापा की तो आपको आदत पता ही है ना, जो सब करते हैं वो करते हैं, अब मुझे ध्यान रखना पड़ता है तितली के पापा का नहीं, मोहल्ले वालों का, कि मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो मोहल्ले वाले कर रहे हैं कल को तितली के पापा वही करेंगे फटाफट से। लो बताओ, पति संभालने का ये मैं क्या बोलूँ, मेरे पता ना बोला जा रहा है ना हंसा जा रहा है फटाफट से। बोलो ऑडियंस के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बस देखते रहो चिड़ियाघर फटाफट से। अरे आ गई है ना गिरगिट मौसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंडिया न्यूज़ पे फटाफट से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही हमारे साथ।